नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर मैं आप सभी लोग के लिए नया रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ्राई मछली का चोखा। तो मछली को फ्राई कर ले लिए हैं और यहाँ पे चोखा बनाने के लिए हम प्याज को बारीक काट कर ले लिए हैं। यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ता को बारीक काट कर ले लिए हैं और हरी मिर्च को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और यहाँ पे नमक और तेल ले लिए हैं। अब इसमें हम मछली को रखेंगे, इसमें के कांटे निकाल देंगे। बड़े पीस का मछली हो या फिर छोटे मछली हो, किसी भी मछली को आप फ्राई कर चोखा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चोखा खाने में। आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। मछली का चोखा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। निकाल लेंगे, तो कांटे को निकाल कर ले लिए, सभी मछली के गुद्दा को छोड़ा कर ले लिए हैं। अब मछली को इन सभी के साथ मिक्स कर मिला देंगे। अच्छे से मछली को इन सभी में मिक्स कर दिए। देखिए मछली का चोखा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में उतना ही टेस्टी है। जितना बनाने में आसान है उतने ही खाने में ये टेस्टी लगता है मछली का चोखा। तो ये मछली का चोखा का रेसिपी आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और तो बनाकर खाकर बताइएगा, कमेंट कर कैसा लगा आप लोगों को मछली का चोखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे समय जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।